दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट जिस पर मनोज तिवारी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 7 में से 6 प्रत्याशी भाजपा ने बदल दिए हैं, लेकिन मनोज तिवारी पर ही तीसरी बार भाजपा ने विश्वास जताया है। बात करते हैं मनोज तिवारी जी से। रात का 1 बजे बज रहा है और मनोज तिवारी प्रचार से लौटे हैं, लेकिन चेहरे पर थोड़ी सी थकान तो नजर आ रही है। कैसा चल रहा है प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है, और ये तो समय ऐसा होता है कि लोकतंत्र उत्सव की तरह दिखता है और लोग बुलाते हैं, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, तो उन सब जगह जाना पड़ता है, तो थोड़ी सी थकावट तो होती है, मगर देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, एक सकारात्मक राजनीति के लिए, विकास और विरासत दोनों पटरी पे देश की सरकार दौड़े, इसके लिए थोड़ा सा तो पहल लेना पड़ेगा। तो कांग्रेस की ये सोच है कि हम देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले, भारत की सेना को गाली देने वाले और घर घर से आतंकवादी निकालने की बात करने वाले, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। अगर ऐसा व्यक्ति कांग्रेस के प्रत्याशी बनते हैं तो लोगों को अचानक से अपना वोट देने का जो अधिकार है उसका प्रयोग करने का और भी जोश बढ़ जाए। रहा और ज्यादा आसान कर दिए, क्योंकि पिछली बार जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन इस बार दो ही प्रत्याशी मतलब प्रमुख तौर से आमने सामने, तो क्या इस तरह के वो आप कैसे देख रहे हैं, मतलब इस फैसले को? देखिए, हम किसी चीज को आसान तो नहीं समझते, चुनाव को गंभीरता से ही लेना चाहिए, हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन मेरा ये विश्वास जरूर है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के जो कार्यकर्ता है वो अपनी अपनी पार्टियों से नाराज है, क्योंकि एक तो बहुत ही बेमेल गठबंधन है, कांग्रेस को गाली देते हुए ही अरविंद केजरीवाल जी आए थे और शीला दीक्षित जी को इतना उन्होंने गालियां दी, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें दिखाए कि शायद शीला दीक्षित जी उस सदमे से उभर नहीं पाए, और उसी कांग्रेस के साथ वो आज मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता वो कांग्रेस के साथ नहीं जा सकता। उद्देश्य है नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाना है, नहीं तो उसके बाद जो संभावना आती है तो देश के लोगों को सोच के ही मन सिहर जाता है। शीला दीक्षित जी का भले ही चुनाव वो हार गई थी हमारे सामने, तभी मैंने कहा ना कि वो एक ऐसा सदमा मैंने उनके चेहरे पे देखा था जब मैं उनसे मिलने गया था, तो वो अरविंद केजरीवाल के नफरत भरी बातों से, उनके आरोपों से वो बहुत, मतलब उनका मानस बहुत डिस्टर्ब था, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था, कई बातें उन्होंने से कही थी। तो अब शीला दीक्षित जी का एक कद अलग है और बाकी अभी जो लड़ रहे हैं, तो भगवान उनसे तो भेंट भी न हो ऐसा मैं कामना करूंगा, चुनाव के दौरान भी मुलाकात न हो, क्योंकि देखिए बहुत वो ऐसे पात्र है ना कि उनकी जो सोच है उस सोच से हमें नफरत है, कोई भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने की बात बोले, जो
जो भारतीय सेना को बलात्कारी बोले, जो घर घर से आतंकवादी निकालने की बात करें, वैसा व्यक्ति कभी भी हमारे भारतीय जनमानस में एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो क्या केवल इसका असर क्या आपकी सीट पर ही पड़ रहा है या पूरी दिल्ली में इस मुद्दे का असर पड़ रहा है, क्योंकि आप बार बार दिल्ली में और पूरे देश में अब कांग्रेस कांग्रेस रही नहीं, अब कांग्रेस माओवादी हो गई है, कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़कर के जा रहे हैं। लोग अभी जेल से बाहर आए तो उनको आप कैसे देख रहे हैं? जेल से बाहर नहीं आए, जेल से पूरा वो चेहरे पे लिखा हुआ कि ये भ्रष्टाचारी है, लीजिए बात करिए इनसे, सुनिए चुनाव में क्या कहते हैं, वो माथे पे ये लिख के भेजा गया है कि ये व्यक्ति कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। अरविंद केजरीवाल को बेल थोड़ी मिली, ये तो पैरोल है। अब शब्द पैरोल इसलिए नहीं कह सकते कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, तो भेजा कितने दिन के लिए? सशर्त 20 दिन के लिए, 2 जून को वापस उनको तिहाड़ के अंदर रिपोर्ट करनी है। तो जब आपके चेहरे पे लिख करके भेजा जा रहा है कि ये भ्रष्टाचारी है, चलिए प्रचार करिए, ये मुख्यमंत्री के ऑफिस में नहीं जा सकते, सेक्रेटरिएट में नहीं जा सकते, उन अधिकारियों से बात नहीं कर सकते, तो फिर ये तो और भी ज्यादा कलंकित कर दिया इन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को। अगर मैं जनता अगर चाहती है कि अगर मैं दोबारा जेल ना जाऊं तो आम आदमी पार्टी को वोट दे, तो आपका इस पर क्या काउंटर है? जनता थोड़ा ज्यादा ही चाहेगी कि वापस जेल जाइए। देखिए क्यों नहीं चाहेगी, आज हम जहां जा रहे हैं हर घर से आदमी रोते हुए कहता है मेरे घर में गंदा पानी आता है, मनोज जी मेरी नाली जाम है पानी से, जल जमाव से, कोई बुजुर्ग मिलता है मेरा पेंशन बनवा दो, रोने लगते हैं लोग। तो वो कैसी व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को जेल क्या हो, तो बहुत बद्दुआ भी दे रहे होंगे लोग, दे ही रहे, और पेंशन नहीं बन रही है। तो मतलब भाजपा ये कैसे सुनिश्चित करेगी, क्योंकि ये तो चुनाव जो है सांसद का है, विधानसभा का नहीं है, तो बतौर सांसद आपकी फिर क्या भूमिका रहेगी कि इन मुद्दों को लेकर आप... नहीं, हम तो कहते हैं कि अब क्या करें, पानी वाली चाबी, नल से गंदा पानी आने वाला चाबी, बुजुर्गों को पेंशन देने वाला चाबी, राशन कार्ड बनाने वाला चाबी, ये सबकी एक चाबी अलग जो आम आदमी पार्टी को दे दिया है दिल्ली की जनता ने, अब वो बिना चुनाव के चाबी हट नहीं सकती। तो अभी तो 6-8 महीना और उस दर्द को दर्द में ही दीजिएगा दिल्ली, हम तो कह ही रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अब समय आया है, यही समय है, सही समय है, जब नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाते हैं और जो 7 महीना बाद चुनाव होगा, उस चुनाव में जो दूसरी चाबी है लोकल, छोटी सड़कों की, गलियों की, नालियों की, पानी की, बढ़े हुए कमर्शियल बिजली के बिलों से, लोगों के बिजली के बिल जो सब ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, इससे बचने का एक ही उपाय है कि नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन दिया जाए दिल्ली का, और निश्चित रूप से तब हम 3-4 साल में दिल्ली का पूरा स्वरूप बदल देंगे, ऐसा विश्वास है। तो एक यातायात जाम की बहुत समस्या है आपकी लोकसभा में, तो उसके लिए आपने अभी तक क्या किया है और आगे वाले 5 सालों के लिए आपका क्या विजन है? अभी हमारे क्षेत्र का एक तो बहुत बड़े स्तर पे जाम खत्म हो गया है, आपको याद होगा शास्त्री पार्क का जाम, अब नहीं जाम लगता, आपको याद होगा सीलमपुर ब्रिज का जाम, अब नहीं जाम लगता, आप पूरा
दिलसाद गार्डन तक जाइए, कोई जाम नहीं मिलता आपको। दूसरी तरफ जो वजीराबाद ब्रिज से जो जाम लगता था, अब सिग्नेचर ब्रिज है तो वहां भी जाम नहीं लगता। हाँ, अभी खजूरी का जाम छोटा सा है, वो भी डेढ़ महीने का मेहमान। हम जून जून में ट्रैफिक खोल देंगे और जो एलिवेटेड रोड बनाया है उसके तहत खजूरी की बहुत सुंदर रचना होने जा रही है और मैक्सिमम एक से डेढ़ महीने में खजूरी पूरी तरह से जाम मुक्त हो जाएगा, भजनपुरा जाम मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से तो फ्लाईओवर भी बन गया, फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो भी बन रही है, तो ये हम आगे नंदनगरी का भी फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो मेन सड़कों का ट्रैफिक हमने दूर करने का पूरा प्रबंध कर दिया। अब अगली बार हम लोग सोनिया विहार का पुस्ता डबल करेंगे, गामड़ी रोड को चौड़ा करना है, करावल नगर रोड को जहां उसको उसकी ट्रैफिक जाम को खत्म करना है, ये हमने सेवाधाम रोड, बैंक कॉलोनी रोड, अपना बुराड़ी का वो 100 फुट्टा रोड, इन सबों पे हमारा बहुत बड़ा प्लान है जो हम अगले टर्म में इसको लोगों ने बना दिया सांसद तो उसको हम ठीक। बहुत गंभीर मुद्दा है, स्कूल की छुट्टियां करनी पड़ती हैं, गाड़ियां लोगों को घर में रखनी पड़ती हैं, तो इसको कैसे, ये इसका समाधान आपने सोचा कि क्या कैसे होगा सर? आज जब अरविंद केजरीवाल जी जेल से आए तो उन्होंने बहुत सारी गारंटियां बांटी, तो मैं उनका चेहरा देख रहा था, मुझे लग रहा था ये अंदर रह के मानसिक रूप से बिल्कुल दिवालिया हो चुके हैं। वो गारंटियां बांट रहे थे तो हमें याद आ रहा था उनकी कुछ गारंटी, यमुना जी ऐसी साफ करेंगे कि साथ में डुबकी लगाएंगे, उनकी याद आ रही थी गारंटी कि बच्चों की कसम खाते किसी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे, उनकी गारंटी याद आ रही थी कि रामलीला मैदान में विधानसभा का सत्र होगा और जन लोकपाल पास करेंगे, उनका गारंटी 500 नए स्कूल, 20 नए कॉलेज, एक नहीं हुआ सब। तो अब जो है दिल्ली की नजरों में उनकी कोई भी गारंटी नहीं चलने वाली, अब लोगों के मन से वो गिर चुके हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली को बहुत बुरी तरह ठगा भी और तकलीफ दी। आए दिन बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं और आपका क्षेत्र चूंकि उत्तर प्रदेश की सीमा से भी लगता है, तो अब इस क्योंकि वहां पर एक बुलडोजर बाबा है तो ऐसा लोग कहते हैं कि वो अपराधी वो दिल्ली में आ गए, तो फिर कैसे इसका समाधान होगा, आपका बुलडोजर कैसे चलेगा? नहीं, हमने क्राइम के मामले में आप देखेंगे जितना भी आप रिपोर्टिंग होगी, क्राइम करने वाला तुरंत पकड़ा जा रहा है। थोड़ी सी हम लोगों को परेशानी होती है क्योंकि दिल्ली स्टेट के पास प्रोसिक्यूटर्स देने का हक है, कोई केस हुआ ना तो वकील जो सरकारी होगा वो दिल्ली सरकार देती है और दिल्ली सरकार अपराधियों को बचा रही है, वो जानबूझ के केसों की हिलावाली करती है, इसका निदान भी 2025 के डबल इंजन में हो जाए। सुबह 8 बजे से और रात का भी 1:15 हो रहा है, पूरे दिन प्रचार करते हैं, गर्मी बहुत है और इस समय आप 25 तारीख को चुनाव भी है, तो अपनी जो अपना स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रख रहे हैं और 25 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें मतदाता ज्यादा से ज्यादा आए तो वो उसके लिए क्या रणनीति आपकी? देखिए, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे न रहे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का स्वास्थ्य ठीक रखना है, देश का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, 15-20 दिन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होंगे 1 जून के बाद, क्योंकि अभी से मेरा 26 मई 27 मई 28 मई 29 मई 30 मई ये सब कार्यक्रम लगे हुए, तो आखिरी चरण के लिए तो अभी थोड़ा सा बीच में सलाद उलाद खाते हैं कुछ पौष्टिक चीजें, क्योंकि
बहुत बड़ी समस्या होती है ना कि हर मोड़ पे आदमी मिठाई लेके आता है, लो एडवांस में मिठाई खाओ थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो थोड़ा सा उससे बहुत मिठाइयां दिक्कत करती हैं, बट थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। और बहुत लंबा क्षेत्र होता है लोकसभा का, तो परिश्रम के अलावा कोई और रास्ता नहीं। अब की बात 400 पर, तो दिल्ली से कितनी सीटें उसमें योगदान देने आते? सातों की सातों सीटें। देखिए दिल्ली राष्ट्रवाद से परिपूर्ण है और सबको पता है ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, गरीबों के अनाज से लेके गरीबों को बैंक से जोड़ने तक, अब तो मध्यम वर्गीय लोगों को भी सत्तर साल का होकर भी अब हर बुजुर्ग सुख पाएगा, अगर हुआ बीमार तो उसका मोदी इलाज करवाएगा 5 लाख रुपए। कितनी बड़ी घोषणा है ये, क्योंकि इसके कारण लोग कई माता अपने माता पिता का बच्चे इलाज भी नहीं करा पाते थे और ना चाहते हुए भी उनको धीरे धीरे वो इलाज के अभाव में दम तोड़ते हुए देखते थे। अब ऐसा नहीं होगा देश, और ये केवल गरीबी रेखा के नीचे वाले के लिए नहीं, गरीबी रेखा के ऊपर भी मिडिल क्लास लोगों के, हमारे आपके माता पिता भी 70 साल के हो गए, उनके इलाज की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी। तो हमारा तो ये संकल्प है कि 20 लाख रुपया देंगे हर युवा को जो अपना अपना कारोबार करना चाहता होगा, काम करो 20 लाख रुपया वापस दे दो। लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है? प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी को माइनॉरिटीज में यानी मुस्लिम्स में बांटने की तैयारी, इस देश में शरिया कानून लाने की तैयारी, इस देश में खुलेआम कांग्रेस लिख रही है कि हम मुस्लिम्स को अपना कानून पालन करने का परमिशन देंगे, तो मतलब अब क्या करेंगे? और हम कह रहे हैं इस देश में एक कानून होगा और सबके लिए समान होगा, यूसीसी। तो देश और दिल्ली इतना इन बातों से इतना गुस्से में है इंडिया अलायंस से कि आप देखिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने 400 मांगा है, मुझे लगता है कि देश में ये ऑल टाइम रिकॉर्ड जो है ना वो भी न टूट जाए 412 का, ऐसा मुझे। मनोज तिवारी की मोदी 3.0 में क्या भूमिका रहेगी? भूमिका रहेगी देश को तीसरे टर्म में, तो आप देश की दिल्ली की जनता सोचे कि हमको ये करना है और वो मोदी सरकार करके देगी। मंत्री भी बनेंगे मनोज तिवारी? अच्छा, मेरे लिए, मैं बिना मंत्री के भी बहुत काम करवाता हूँ। 14,600 करोड़ का काम अपने क्षेत्र में करवाया हूँ। आज आप तो इतने दिन से पत्रकारिता करते हैं, दैनिक जागरण के पाठक भी अच्छी तरह जानते हैं कि एक सांसद 14,600 करोड़ का काम करा लेता है और मोदी है तो मुमकिन है। तो अगला 5 साल क्या क्या होने वाला है उसकी तो मैं बस लोगों को बोलूंगा कि आप अपना प्लान बनाइए, हम उसको पूरा करें। ये बहुत सौभाग्य की बात है। अब देखिए हमारा क्षेत्र है ना, हमारे क्षेत्र में सिग्नेचर ब्रिज लीगली हमारे क्षेत्र का पहला ब्रिज बना, जिसको मैंने 2014 के राष्ट्रपति शासन में बनवाया। राष्ट्रपति शासन था, ये लोग भूल जाते हैं। शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर हमने आमरण अनशन करके बनवाया, पहली बार शिव बिहार तक मेट्रो लेके आए, फिर मेट्रो फेज 4 मौजपुर से गोकुलपुर, यमुना बिहार,
चांदबाग, भजनपुरा, सोनिया विहार, वजीराबाद, बुराड़ी तक हम मेट्रो ले आए। अब बुराड़ी में मेट्रो आ गई, आप तो समझ सकते हैं बुराड़ी से बाहर निकल के काम करने वाले कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं और उनको मेन लाइन से जोड़ दिया है। चार पांच महीना में भी शुरू हो जाएगा। हम पहली बार सेंट्रल स्कूल लेके आए, पहली बार रेलवे स्टेशन लेके आए, पहली बार अपने क्षेत्र में रिवर फ्रंट बना रहे, पहली बार एलिवेटेड रोड जिससे 2.5 घंटे में आप देहरादून जाएंगे। सब पुस्ता, पहला पुस्ता, दूसरा पुस्ता, तीसरा पुस्ता, चौथा पुस्ता, ये सब का जाम खत्म। तो इसके अलावे 12 पार्क बनाए, अपने क्षेत्र को सीसीटीवी से युक्त किया अपराधियों पे नकेल के लिए, करीब 43 पार्कों में ओपन जिम लगाए, बच्चों के लिए झूले लगाए, कई जगह कुछ सड़कें जो डीडीए के अंतर्गत आती थी उसको बनाया, उस पर लाइट लगवाया। बहुत आनंद है, बहुत सुकून है। और अगले 5 साल में जो प्लान कर रहा हूँ उसको एग्जीक्यूट करके ही लोगों से वोट मांगने जाऊंगा। केंद्र सरकार में सारे जो सेक्रेटरी हैं वो तैयारी कर रहे हैं मोदी के तीसरे कार्यकाल की, तो कुछ एजेंडे उन्होंने सेट किए हुए हैं, मोदी जी ने पहले ही करे, तो आपका क्या एजेंडा है? कांवड़ी रोड को चौड़ा करना, करावल नगर रोड को बिल्कुल बिना ट्रैफिक जाम के चलाना, सेवाधाम रोड के ट्रैफिक को ठीक करना, जाम को 100 फुट्टा रोड को, बुराड़ी के 100 फुट्टा रोड पर मेट्रो चलाकर उसके रोड तक ले जाना और उसको दिल्ली के पाला बख्तावरपुर के लिए तरफ से ले जाके उसको वापस मेन लाइन में मिलाना, बुराड़ी के पुस्ता रोड को 6 लेन रोड बनाना, हमारे नेहरू विहार की एक सड़क है तिमारपुर में उसको पहले 3 महीने में बना देना, ये सब काम लेकर के चल रहे हैं और इसमें सफल भी हूँ। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने के बाद उनको उनका मन बिल्कुल बदल गया और अब वो एनडीए के पार्ट हैं। मलूक नागर जी भी आए थे, बहुत बड़े गुजर नेता हैं, और अर्जुन राम मेघवाल जी आए थे, तेजस्वी सूर्या आए थे, कल दिया कुमारी जी आई थी, डिप्टी सीएम भजन लाल शर्मा जी आए थे, अभी पुष्कर धामी जी भी आने वाले हैं। तो ये तो हमारे यहाँ एक तरीका है, क्योंकि हम देश के चुनाव को एक एक व्यक्ति को समझाने में लगे रहते हैं और उनके अपने स्टेट के नेता भी आते हैं और अच्छी तरह से हम लोग मैसेज को सर्कुलेट करते हैं। आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं कि मतलब आप, देखता हूँ मैं कि आप खुश रहते हैं जब वो मंच पर आते हैं और आप भी थोड़ी सी और एनर्जी आ जाती है आप में, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या था ना कि एक हमारे यहाँ तो एक घर से एक ही नेता रहता है, लेकिन चुनाव के समय अगर पत्नी ठीक से लोगों को मिल रही हो, कुछ काम वो भी कर रही हो, तो बहुत आसानी हो जाती है। तो चुनाव बहुत बड़ा है। अच्छा, मैं स्टार प्रचारक हूँ, मुझे इसी दौरान दूसरों के यहाँ जाना पड़ता है। अभी मैं पश्चिम बंगाल होके आया, मैं महाराष्ट्र होके आया, उत्तराखंड होके आया, उत्तर प्रदेश होके आया, मैं बिहार होके आया, तो इस तरह से अब मुझे जाना पड़ता है। तो पत्नी के आने से एक निश्चित रूप से हमको थोड़ा सा बाहर जाने में थोड़ा सा सहूलियत रहती है, लगता है कि ग्राउंड पे भी एक परिवार का व्यक्ति है, तो इसमें लोग भी बहुत खुश होते हैं।